अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन अबाउट द पोर्टल हाइपरटेंशन। इट मीन्स जब पोर्टल वेनस सिस्टम में या स्पेशली पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन डेवलप होता है, उस कंडीशन को हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब पोर्टल हाइपरटेंशन तब डेवलप होती है जब पोर्टल वेन में या पोर्टल वेनस सिस्टम में प्रेशर 12 मिलीमीटर और मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाए, तब हमारी पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन डिफरेंट कंडीशंस में डेवलप हो सकती है, तो उसकी इटियोलॉजी को या काजेज को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक प्री हेपाटिक इसके काजेज होते हैं, देन हेपाटिक एंड द पोस्ट हेपाटिक। जो पोर्टल हाइपरटेंशन के प्री हेपाटिक काजेज होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस है। ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस, अब ये थ्रोम्बोसिस पोर्टल वेन में भी हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एंड द स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस आ जाती है। उसके अलावा प्री हेपाटिक काजेज में ये है कि उस या तो पोर्टल वेन नेरो हो जाए या फिर मैसिव स्प्लीनोमेगाली कंडीशन हो जाए, तो ये प्री हेपाटिक काजेज हैं जो पोर्टल हाइपरटेंशन काज करवा सकते हैं। उसके अलावा जो पोर्टल हाइपरटेंशन के हेपाटिक काजेज होते हैं, मोस्ट कॉमन जो हेपाटिक काज है पोर्टल हाइपरटेंशन का, वो है सिरोसिस ऑफ द लिवर, जिसको हम सिनुसॉइडल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ओवरऑल जो पोर्टल हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन काज है वो सिरोसिस ऑफ लिवर है। उसके अलावा जो दूसरे हेपाटिक काजेज होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के, उसमें मेटास्टेटिक मेलिगनेंसी आ जाती है एंड देन कुछ फाइब्रोसिंग ग्रेनुलोमेटर डिजीज़ होते हैं सच एज सारकोइडोसिस एंड अमाइलोइडोसिस, जो पोर्टल हाइपरटेंशन काज करवा सकती हैं। उसके अलावा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, उसका भी रोल होता है पोर्टल हाइपरटेंशन की डेवलपमेंट में। उसके अलावा दूसरे पोस्ट हेपाटिक काजेज होते हैं। पोस्ट हेपाटिक काजेज में जो मोस्ट कॉमन काजेज हैं उसमें राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर है एंड देन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हेपाटिक ब्लड फ्लो। ये सारे पोस्ट हेपाटिक काजेज होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के। तो ओवरऑल पोर्टल हाइपरटेंशन के काजेज कौन कौन से हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस आ जाती है एंड देन नेरोइंग ऑफ द पोर्टल वेन, मैसिव स्प्लीनोमेगाली एंड द सिरोसिस, मेटास्टेटिक मेलिग्नेंसीज, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, सारकोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस एंड द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर एंड द ऑब्स्ट्रक्शन इन द हेपाटिक ब्लड फ्लो। एंड आफ्टर दिस देयर इज अ पैथोजेनेसिस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन। द पैथोजेनेसिस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इसमें या तो साइनसॉइड्स की लेवल पे पोर्टल ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है या फिर हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन की वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन काज होती है। फॉर एग्जांपल ये साइनसॉइड्स हैं, साइनसॉइड्स की ये नॉर्मल ल्यूमिन और नॉर्मल पोर्टल ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर किसी रीज़न की वजह से इसकी ल्यूमिन बिल्कुल ऐसे नेरो हो जाए तो यकीनन पोर्टल ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा होगा, मतलब कि वो नॉर्मल ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। अब ये साइनसॉइड्स कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें साइनसॉइड्स की जो ल्यूमिन है वो नॉर्मल से डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो साइनसॉइड्स हैं उनकी वॉल्स में एक तो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, उनके अलावा उनमें एक और टाइप के सेल होते हैं जिनको हम मायोफिब्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। तो जब इन ये जो स्मूथ मसल्स हैं मायोफिब्रोब्लास्ट हैं, जब इनकी कॉन्ट्रेक्शन होती है तो इनकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से साइनसॉइड्स की जो ल्यूमिन है वो नेरो हो जाती है, और उस नेरोइंग की वजह से साइनसॉइड्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है टू द पोर्टल ब्लड फ्लो और पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होती है। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल इस कंडीशन के साथ कोई क्रोनिक लिवर डिजीज़ प्रेजेंट है तो वहाँ पे स्कारिंग और फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन की वजह से भी ये जो ब्लड फ्लो है साइनसॉइड्स में वो डिस्टर्ब हो सकता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा जो साइनसॉइड्स में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इन एंडोथेलियल सेल्स में भी कुछ चेंजेस अपीयर होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे वेजो डायलेटर्स हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, तो उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, और जो वेजो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब जो वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं वो कौन से हैं, उसमें जो मोस्ट पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है उसमें एंडोथेलिन 1 एंड देन उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है। उसके अलावा जो इकोसानोइड्स हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं जो साइनोसॉइड्स की वेजो कंस्ट्रक्शन काज करवाते हैं, मतलब इंट्रा हेपाटिक वेजो कंस्ट्रक्शन काज करवाते हैं।
तो इस पूरी जो चेंजेस हैं इसमें आ रही हैं, इससे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, मायोफिब्रोब्लास्ट सेल्स की कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, और जो चेंजेस आ रही हैं एंडोथेलियल सेल्स में, इस पूरे प्रोसेस को हम साइनोसॉइडल रीमॉडलिंग कहते हैं। अब ये जो साइनोसॉइडल रीमॉडलिंग है, इसकी वजह से साइनोसॉइड्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है। और इसके अलावा क्या होता है, जो हमारे लिवर के अंदर आर्टेरियल सिस्टम होता है एंड द वेनस सिस्टम, उन दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस हो जाती है। एनास्टो मतलब कि एक आर्टेरियल वेनस शंट फॉर्मेशन हो जाती है, और शंट फॉर्मेशन होने के बाद जो आर्टेरियल ब्लड है वो वेनस सिस्टम में मूव करती है, और इस तरह हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और जो दूसरी मतलब इसकी जो पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो है हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, मतलब के जो सर्कुलेशन है, स्पेशली जो स्प्लेनिक सर्कुलेशन होती है, स्प्लेनिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है जो ब्लड फ्लो प्रोवाइड करे टू द एब्डोमिनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन एंड द पैनक्रियाज एंड स्प्लीन, इनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो स्प्लेनिक सर्कुलेशन से होती है। अगर फॉर एग्जांपल जो स्प्लेनिक सर्कुलेशन है उसमें किसी रीज़न की वजह से या वेजोडायलेटर्स रिलीज होने की वजह से वेजोडायलेशन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है फ्रॉम द स्प्लेनिक सर्कुलेशन उसका इफ्लक्स होता है इनटू द पोर्टल वेनस सिस्टम में। तो पोर्टल वेनस सिस्टम क्योंकि हमें पता है कि जो आर्टेरियल ब्लड है यानी आर्टेरियल जो ब्लड है वो मतलब कि वो हाई प्रेशर के साथ मूव करती है, और वेनस सिस्टम जो है वो लो प्रेशर वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं। तो जब हाई प्रेशर आर्टेरियल ब्लड वेनस सिस्टम में मूव करेगी तो उस कंडीशन में मतलब क्या है, जो फोर्स है टू ऑन द वेजल वॉल्स वो इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसकी कंसिक्वेंसेस या कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से असाइटिस डेवलप हो सकती है, इसोफेजियल वायरसेस, कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली, रीनल फेल्यूर भी कास हो सकता है, एंड द हेपाटिक इंसेफेलोपैथी एंड द हेपाटिक गैस्ट्रोपैथी, ये सारे इसकी कॉम्प्लिकेशंस या क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस हैं जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से डेवलप हो सकते हैं।